नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से रावण के अनुसार तंत्र से जड़ी बूटी से पेड़ पौधे की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है, तकदीर बदल सकता है, भाग्य चमकाया जा सकता है। तो यह वीडियो को ध्यान से देखना। रावण संहिता का आज मैं आप लोगों को जानकारी बताने वाला हूँ। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी के परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दर्शकों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा है। देखिए, रावण ने ही शिव तांडव स्त्रोत र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप रावण की शिव तांडव स्त्रोत का जो गान करते हैं, ना भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि रावण से ज्ञान में पछाड़ दे। माना जाता है कि सौमंडल के संपूर्ण ग्रह के जो जितने भी सौमंडल के संपूर्ण ग्रह हैं, ये रावण की सारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, जब मेघनाद, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनने की जो सपना थी, रावण ने अमर बनाने की जो सपना रखी थी, वह सपना पूर्ण नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पा आयु का हो गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण की थी। और यह भी जाना जाता है, यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि प्रभु राम जो श्री रामचंद्र जी हैं, वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ उनके मृत्यु हो तो निश्चित उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम जी से, प्रभु राम से शत्रुता मोल रखी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसे जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताए, कुछ तांत्रिक वस्तु के बारे में बताए हैं, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होते हैं, व्यक्ति धनवान बनते, गुणवान बनते हैं। आप अपने सारे पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने जो रावण संहिता में, रावण संहिता जो बुक लिख, उसमें बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताए, जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यह बहुत सारे आप जो है क्रियाओं को कर सकते हैं, अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह माला को, यह जो जड़ से धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं, तो संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता ना मिले तो दुर्वा घास का आप जो है उपाय कर सकते हैं। सफेद दुर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना है, देखना आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल ही मिलती है। ये वशीकरण का काम करता है, जबरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करते हैं। और भी बहुत अच्छा अच्छा गुप्त जानकारी बताने से पहले रावण संहिता की और भी जो कीमती जानकारी, वो सब मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। तो ये सारे जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना। रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा, या फिर जातक को धन्य धान की कमी हो, तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रावण कहते हैं, इसके लिए जाता को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मैं कुबेर मंत्र रबता रहा हूं। यह मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। नित्य ही ओम यक्ष कुबेरा है व सवाय धन धान अधिपते धन धान समृद्धि में देही दाप स्वाहा। में इसे वीडियो में जो स्क्रीन चली उसमें भी लिखवा दूंगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम यक्ष कुबेरा है वह सवाय धन धन धिपते धन धन समृद्धि में देही दाप स्वागत होली है। दीपावली में जितना जाप करते हैं उतना ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आपके घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज्यादा धन संपदा आ जाती है
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन रावण संहिता कहते हैं कि नित्य रूप से अगर इन्हें 3 माह तक 108 बार कभी भी 3 माह तक 108 बार जपा जाए तो बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको सामने में कौड़ी रख करके ही पूजा करना चाहिए, जपना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाए तो उसे उठाकर जो कौड़ी है उसे जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं बोलर बल्कि रावण संहिता में लिखे हैं। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं रावण जी के अनुसार कि कौन सी जड़ जड़ी बूटी को धारण करने के बाद कौन सी ऐसे जड़ है जिसे धारण करने के बाद हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिए, रावण कहते हैं, रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसलिए रावण कहते हैं कि जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाते हैं, ये सब किसके कारण होता है? शनि के कारण। तो ऐसा माना जाता है जो काला धतुरा है इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि काला धतुरा की जड़ जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो चाहते हैं कि सभी लोग उनके बात माने, लोग उनके इशारे पर चले, उनके अनुरूप ही चले, कोई दूसरे कार्य ना करें, या फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहे, सट्टे में विजय प्राप्त करना चाहे, शेयर मार्केट में अच्छे लाभ मुनाफा कमाना चाहते हैं, काले बाजारी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो के समाप्त में मिलेंगे। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला एरन की जड़, ध्यान से सुनना, जो काला कलर की एरन होती है, सफेद कलर की वैसे तो जो एरन है ये आपको यत्र तत्र, जो रेड कलर की एरन है यह भी यत्र तत्र आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो कलाकरण की रण है थोड़ा सा आपको ढूंढने पर वैसे मिल जाते हैं, कोई कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा दुर्लभ है। तो ऐसा माना जाता है जो एरन है माता पार्वती के ही स्वरूप कहे गए हैं, माता पार्वती से ही एरन जो है उत्पन्न हुआ है। तो जो काला एरन है भी व्यक्ति काला रण धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर में सोहन की सिद्धियां बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर काला रण की जड़ धारण करे, जैसे कि कहा गए हैं, जो डर व्यक्ति भी अगर काला रण की जड़ धारण करे तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से लोग डरने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति पे मां लक्ष्मी जो है धन लुटाना शुरू कर देती, क्योंकि इसका स्वाभाविक से ही गुण है, जहां पे शक्ति वहां पे लक्ष्मी स्वतः खींचे चले आते हैं। तो जो काला एरन है अगर आप धारण करते हैं तो आपको सिद्धियां की भी प्राप्ति होती है। अड़ी मां लागी मां उत्पन्न, जितने भी ये 9 प्रकार की सिद्धि कहे गए हैं, अष्ट प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि कहे गए हैं, ये आपको स्वत प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, इसके कुछ आंशिक रूप आपको मिलते हैं। इसके बाद है काला हल्दी। ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे ज्यादा जो बिका जाने वाला तांत्रिक चीज है उसमें काला हल्दी की गणना आती है। काला हल्दी को साक्षात माता काली की स्वरूप कहे गए हैं, जो काला हल्दी होते हैं अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है चलते ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है, काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकते हैं, काला हल्दी मिल जाए तो आप अपनी पुस्तक में लिखे स्याही को मिटा सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया किए जाते हैं, ऐसा हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे। जैसे काला हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश करते हैं, अब होता है कि नहीं होता, लेकिन किताबों में ये जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं, ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करते हैं, पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करता है और ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव, वह सारे वस्तु स्वत प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये फिर ग्रह नक्षत्र
रकी बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करते हैं, तो काला हल्दी की जड़ आप जो जरूर धारण करें। इसके बाद है काला कपास। ध्यान से सुनिए, जो काला कपास हैं, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ढूंढने पर ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। काला कपास ऐसा माना जाता है, काला कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में है वो भी दिखने लगते हैं, ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में लिखे हैं। लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है? किसे आपको देवी लक्ष्मी सिद्ध होते हैं, देवी सरस्वती सिद्ध होते हैं और आदि शक्ति जिसे हम मां पार्वती बोलते हैं, ये तीनों महाशक्ति सिद्ध होते हैं। इनके जड़ में तीनों कवास माना जाता है, ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहाँ तक कि काला कपास से व्यक्ति इनके रस से अगर पारद का मारण किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है, कैसे धारण करना होता है, इनके धारण करने के दिन क्या होता है। तो शुभ मुहूर्त के एक दिन पहले ये जो हमने अभी जितने भी जड़ बताए हैं, ये सब पेड़ पौधे को आपको निमंत्रण देकर के आना होता है। एक दिन पहले जैसे शुभ मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली है, होली है या फिर ले लीजिए कोई त्योहार आ रहे हैं, शुभ मुहूर्त रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है, कोई भी शुभ मुहूर्त है। अब जो है देख सकते हैं कि 2022 में कब शुभ मुहूर्त है, 2023 में कब शुभ मुहूर्त, इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण देख के आना होता, या फिर चाहते तो रविवार के एक दिन पहले शनिवार के दिन निमंत्रण देकर के भी आ सकते हैं, जब आपको अर्जेंट हो। इसके बाद शुभ मुहूर्त में निमंत्रण देना आपको जाना होता है। इसके लिए आपको चाव रखना है, पीले चाव रखना है, आपको 5 अगरबत्ती कीड़ी रख लेना है और 1 आपको नारियल रख लेना है। उसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है वहां पे, इसके बाद नारियल वहां पे आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धातु रे एक जड़ लाना चाहते हैं, तो वहां पे नारियल आपको भेंट करना है, अच्छा तो चढ़ा देना है, कलर की जिसे हम चावल बोलते हैं, और आपको को प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, हे वृक्ष राज, मैं आपके जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ इस कार्य के लिए। कार्य में बोल देना धन प्राप्ति, शनि के जो कुदृष्टि है उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना है, जो भी जड़ ला से प्रार्थना करना। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा, कृपया आप मुझे अनुमति दे, इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है। और आपको फिर सुबह प्रातः कल जाना है स्नान करने के बाद, और इसे आपको खन करके ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको को दल फिर लोहे की कोई भी वस्तु है, धातु बने हुए, उसे आपको खनन नहीं करना। इसके बाद इसे लाते हो तो इसे आपको सर्वप्रथम गंगाजल में धोने, दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम रोली, अच्छा जैसे देवी देवताओं को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके पहनना है। चांदी के ताबीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है शीतल होता है, ये आपको को नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको को चांदी की ताबीज में से डालना है और पहनने जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह दो दिन हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए, क्योंकि जो बुध है इसे तांत्रिक देव कहे गए, शनि शनि जो प्रकृति होते हैं, जड़ी बूटी धारण करने के लिए उग्रता मानी जाती है, तत् रिजल्ट देने वाले, तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं, आपके भाग्य चमका सकता है। एक बार तो आप इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप खुद देखना, देखते देखते आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रावण संहिता के अनुसार, जैसे रावण संहिता में बताए गए हैं, जड़ बटी के बारे में धारण करने के तरीका, सारे तरीके इस वीडियो में बताया हूं। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। धन्यवाद, नमस्कार।